ओके। एवरीबॉडी हियर मी, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके। तो बेटा हाँ, लास्ट टर्न पे हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा? मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। कैन यू सी द पीपीटी? यस सर। ओके। तो बेटा हम लास्ट टर्न पे यहाँ तक पहुंच गए थे, सीकम वर्ब फॉर अपेंडिक्स कॉलन एनस तक हमने इसको कंप्लीट किया था बेटा, ठीक है? यस सर। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे आज इसमें, ठीक है? यस सर। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे एरो शो हो रहा होगा आप मेरा, ठीक है? Complete elementary canal covered by a four layers. Okay, complete elementary canal covered by a four layer. First layer known as serosa or visceral peritoneum. बेटा कोई भी organ हो, ये हमारे trunk, ये आपको जो show हो रहा होगा, आप मुझे देख पा रहे होंगे, ये हमारी trunk है, हमारे गर्दन से नीचे और टांगों से ऊपर वाला पूरा हिस्सा जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी trunk है। इस trunk के अंदर जितने भी organs रखे हैं, all organs are visceral organs and covered by a membrane known as peritoneum membrane. So every visceral organ covered by a membrane is known as serosa or visceral peritoneum. Right? Correct, beta? समझ में आ गया? Next layer. Yes, sir. अब elementary canal की next layer जो होती है, next layer of elementary canal is muscularis. Muscularis layer जो है, ये smooth muscles की बनी हुई होती है. किसकी बनी हुई थी बेटा? Smooth muscles की. ठीक है? Two type of smooth muscles are found in muscularis. First is longitudinal. Second is circular muscles. First is longitudinal muscles. Second is circular muscles. And in between the both muscles, a neuromuscular junction is present known as myenteric flux or eubec flux. अभी मैं आपको समझाऊंगा ये, ठीक है? अभी मैं पहले layer एक बार बोल देता हूँ, ठीक है? तो first layer is visceral layer, second layer is muscular, is divided into two parts, longitudinal circular muscles, and in between the both the layer a neuromuscular junction is present. Okay. Third is submucosa and fourth is a mucosa membrane. In mucosa membrane, different types of digestive glands are present. And the last one is known as ये जो आप देख रहे हैं, ये epithelium है. But the membrane total four होगी. अब मैं एक एक करके दोबारा से डिस्कस करता हूँ. First layer visceral layer होती है, tough layer होती है, connective tissue की बनी हुई होती है. क्या कहा मैंने बेटा? विसरल लेयर जो होती है वो टफ लेयर होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है. सेकंड लेयर मस्कुलरिस, ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है. किसकी बनी होती है बेटा? स्मूथ मसल्स की बनी होती है. और स्मूथ मसल डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज आउटर साइड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड इनर साइड इज सर्कुलर मसल्स. दीज मसल्स परफॉर्म पेरिस्टाल्सिस. बेटा पेरिस्टाल्सिस जानता है कोई, मुझे बताएगा? पेरिस्टाल्सिस. किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट द माइक, या अदर कुछ चल रहा है इधर उधर, ठीक है बेटा? तो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. बेटा नर्व जब मसल से कनेक्ट होती है, नर्व जब मसल से कनेक्ट होती है तो एक जंक्शन बनता है, दिस इज नोन एज मोटर एंड प्लेट, एंड और इसका दूसरा नाम होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. द पेरिस्टाल्सिस कंट्रोल्ड बाय मायेंट्रिक फ्लक्स. ये जो पेरिस्टाल्सिस होती है, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एलिमेंट्री कैनाल ड्यू टू द मस्कुलरिस, एंड दिस मस्कुलरिस लेयर इज कंट्रोल्ड बाय एरियोबैक फ्लक्स और मायेंट्रिक फ्लक्स. बेटा अंडरस्टैंड हुआ? कुछ समझ में आया है? दोबारा बताऊं सर? दोबारा बता दो, दोबारा सुन, प्लीज रिपीट. हां रिपीट, प्लीज रिपीट. ओके,
मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप ऑफ लेयर. फर्स्ट इज आउटर लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड इनर इज सर्कुलर मसल्स. इन बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज प्रेजेंट. क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेटा? जब नर्व मसल्स से जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है मोटर एंड प्लेट. करेक्ट बेटा, मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये बात समझे आप? यस सर. अब नेक्स्ट इसमें आता है अल्टरनेटिव कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर इन मस्कुलरिस नोन एज पेरिस्टाल्सिस. दीज पेरिस्टाल्सिस कंट्रोल्ड बाय मायोट्रिक फ्लक्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. समझ में आया बेटा? अंडरस्टैंड सर, प्लीज रिपीट. रिपीट करना बेटा, कहां से रिपीट करो? लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर या सिर्फ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. हां देखो बेटा, दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनिए आप. क्या नाम है बेटा आपका? सर विशाल. विशाल, देखो बेटा विशाल, आप मसल्स को समझते हैं ना? मसल्स क्या होता है? आप नर्व को भी समझते हैं, नर्व क्या होता है? ठीक है, नर्व अलग और मसल्स अलग. ठीक है, अब एक बात बताओ, मसल्स अपने आप कॉन्ट्रेक्शन करेगी क्या? नहीं करेगी, जब तक उसे कोई इम्पल्स या सिग्नल नहीं आएगा. अब सिग्नल कौन लेकर आएगा? सिग्नल नर्व लेकर आएंगे. तो हमारे ब्रेन से एक सिग्नल आया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कि उसे उसके अंदर खाना चला गया, उसे क्या करना है? कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करना है. बट ये इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आया? एक नर्व लेकर आई. ये नर्व इस मसल्स के साथ जुड़ गई, जुड़ने के बाद एक कनेक्शन बना, जिस कनेक्शन का नाम था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्या नाम है बेटा इसका? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आ गई, मसल्स को मिल गई. अब मसल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और पेरिस्टाल्सिस को शुरू कर देगी, जिसकी वजह से फुट की मूवमेंट होगी और वो ईसोफेगस से नीचे स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. अंडरस्टैंड? समझ में आई बात बेटा? यस सर. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ में आ गया, मस्कुलरिस समझ में आ गई बेटा आपको? यस सर. हाँ बेटा, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी है. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, मुझे बार बार बदलेंगे, मैं बार बार समझाऊंगा. क्लास में भी तो यही करता मैं वहाँ पे बैठ के. ठीक है, चलो नेक्स्ट. हाँ बोलिए बेटा. सर वाइसरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? कौन से? वाइसरल ऑर्गन्स. विसरल ऑर्गन बेटा, ये आप मुझे देख रहे हो ना? देखो yes, sir. मुझे गर्दन से नीचे देखो, कहाँ तक लेकर जाओ? मेरी ट्रंक तक लेकर जाओ, मतलब जहाँ से मेरे लेग शुरू होते हैं और जहाँ से मेरी गर्दन खत्म होती है, इतना एरिया जो है बेटा ये ट्रंक कहलाता है. क्या कहलाएगा बेटा? ट्रंक. अब इस ट्रंक के अंदर जो भी ऑर्गन है बेटा, लंग्स, हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, किडनी, लीवर, स्प्लीन, ये सब के सब क्या है बेटा? विसरल ऑर्गन्स. ओके ओके सर. करेक्ट, समझ में आ गया बेटा विसरल ऑर्गन क्या होते हैं? यस सर. सो कैन यू एक्सप्लेन ऑर्बिट प्लेक्स? ऑर्बिट प्लेक्स बेटा, ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के मिडिल में होता है. एक्चुअली इन दोनों मसल्स को कोऑर्डिनेट कराता है ताकि ये प्रॉपर पेरिस्टाल्सिस कर सके. ठीक है? यस सर, थैंक यू सर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. अभी हम बात करते हैं सब म्यूकोसा. इन सब म्यूकोसा सम लिम्फोइड टिश्यू आर प्रेजेंट. सब म्यूकोसा के अंदर बेटा लिम्फोइड टिश्यू होता है, इसलिए कोई ऐसा कोई खास. हां बोलिए सर. ये कौन सा चैप्टर है? ये बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है. आपने आज ही ज्वाइन किया है कि? यस सर. ओके कोई नहीं, ये आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है. इसमें हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें से मैंने दो लेयर अभी आपको डिस्कस किए हैं, विसरल पेरिटोनियम, सेकेंड इज मस्कुलरिस. ठीक है, थर्ड लेयर इज सब म्यूकोसा. ठीक है, इन सब म्यूकोसा सम लिम्फोइड टिश्यूज आर प्रेजेंट, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था पीछे पायर्स, पैचेस वगैरह. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लेयर इज नोन एज म्यूकोसा. एंड म्यूकोसा फॉर्म्ड बाय थ्री लेयर. म्यूकोसा फॉर्म्ड बाय थ्री लेयर. फर्स्ट लेयर इज मस्कुलरिस म्यूकोसा. दिस मस्कुलरिस म्यूकोसा जस्ट लाइक ए मस्कुलरिस लेयर. बेटा ये मस्कुलरिस म्यूकोसा बिल्कुल कैसी होती है? मस्कुलरिस जैसी होती है, मतलब इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड
दोनों टाइप की मसल्स होंगी। क्या क्या होंगी बेटा इसके अंदर? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, बोथ दोनों टाइप की मसल्स होंगी। इसके बाद जो इसके अंदर दूसरी लेयर होती है इसका नाम होता है लेमिना प्रोपीरिया। क्या नाम है इसका बेटा? लेमिना प्रोपीरिया। ये हमारे बॉडी के अंदर ये भी लिम्फॉइड टिश्यू की तरह ही होती है। कैसी होती है? ये सब म्यूकोसा जैसी दिखती है। कैसी है ये? ये लिम्फॉइड इन नेचर है ये। एंड द लास्ट लेयर इज नोन एज एपिथेलियम। ये बिल्कुल ल्यूमन की तरफ होती है, लास्ट यहीं पर विलाइज होती है। तो विलाइज फॉर्मड बाय एपिथेलियम। ओके, विलाइज फॉर्मड बाय एपिथेलियम। हां, एपिथेलियम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। सो कैन एक्सप्लेन मेसेनर प्लेक्स? अच्छा सुनिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया था आर्गुबैक प्लक्स प्रेजेंट बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल, प्लीज म्यूट द माइक, थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में, यानी इन बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज प्रेजेंट नॉन एज मैग्नेटिक प्लक्स। इसी तरीके से मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसा, इन बिटवीन द मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा ए अनदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज प्रेजेंट इज नॉन एज मीजनर्स प्लक्स, नॉन एज मीजनर्स प्लक्स। तो मायंट्रिक फ्लक्स कंट्रोल द पेरिस्टाल्सिस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल and Meissner's flux control the secretion of digestive glands. बेटा stomach है, small intestine है, ठीक है, और pancreas है। इनके secretion को, इनसे जो juice निकलते हैं, gastric juice, intestinal juice, इनको control कौन करता है बेटा? Meissner's flux करता है। कौन करता है? Meissner's flux. Understand? You understand? Sir, can you explain again? Again. In between the muscularis, in between the muscularis and submucosa, another, a second neuromuscular junction is present, is known as Meissner's flux. This Meissner's flux controls the secretion of all the type of digestive glands. Okay? मतलब जो भी एंजाइम सिक्रीट होंगे वो कम ज्यादा या होने हैं या नहीं होने हैं, इसको कौन कंट्रोल करेगा? मीजनर्स फ्लक्स करेगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक बेटा, तो ये आपको क्लियर हुआ? एक बार रिपीट करता हूँ, विसरल पेरिटोनियल, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है, आर्गुबैक फ्लक्स और मीजनर्स फ्लक्स, ये दो मैंने आपको फ्लक्स बताए। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें यहाँ तक? Anybody have problem in this topic? No sir. अब भी एक तो क्वेश्चन रह गया हमारा, अब मजेदार क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास एनसीईआरटी है बेटा, सभी बच्चों के पास, या अभी नहीं है? No sir. अभी नहीं है तो आप एनसीईआरटी को डाउनलोड कीजिएगा, किससे? नेट से। और इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी जहां पर ये टॉपिक होगा एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और वहां पर एक लाइन लिखी होगी फॉर द स्टमक। स्टमक के लिए एक लाइन लिखी होती है, इन स्टमक मस्कुलरिस डिवाइडेड इनटू लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल इज नोन एज ओब्लिक मसल। प्लीज नोट डाउन द थर्ड टाइप ऑफ मसल व्हिच इज फाउंड ओनली इन स्टमक। थर्ड टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स इन द मस्कुलर लेयर फाउंड ओनली स्टमक नेम एज ओब्लिक मसल। क्या कहा बेटा मैंने? ओब्लिक मसल ओनली फाउंड इन स्टमक। ठीक है, समझे आप लोग? कैन यू अंडरस्टैंड? यस सर। मैंने क्या बताया बेटा, मैं दोबारा बोल देता हूँ, एक बार दोबारा सुन लीजिए। स्टमक के अंदर मस्कुलरिस दो लेयर का नहीं बना होता, वो तीन लेयर का बना होता है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल्स। कौन सी मसल बेटा? ओब्लिक मसल्स। कौन सी? ओब्लिक। बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ, कई कई बार आता है क्वेश्चन, आपको लिखने के लिए आएगा एक नंबर में। थर्ड टाइप ऑफ मसल आर फाउंड इन स्टमक, बट ऐसे नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, सिर्फ एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है, सम पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एक एक्स्ट्रा लेयर आल्सो फाउंड इन
मस्कुलरिस इतना लिखा हुआ है, उसने कम्प्लीटली प्योरली क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए बात, ठीक है। इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब नो सर। नो सर। चलिए अब आते हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आती है बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी आती है बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है, विच इज नॉट मेंशन इन 4th टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। प्लीज नोट डाउन, इन ह्यूमन बीइंग ओनली 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड इज सबल्यूंगल ग्लैंड एंड थर्ड इज सबमेंडिबुलर ग्लैंड। मैंने क्या कहा आपसे? इन ह्यूमन बीइंग 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज लार्जेस्ट ग्लैंड नोन एज पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द थर्ड इज सबमेंडिबुलर ग्लैंड एंड द फोर्थ टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड व्हिच इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज नोन एज इंफ्रा ऑर्बिटल व्हिच इज फाउंड इन ओनली रैबिट। इसमें पाई जाती है बेटा? रैबिट में पाई जाती है, हमारे अंदर नहीं होती है। तो बेटा मैंने कौन कौन सी आपको ग्लैंड्स बताई हैं? फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड, थर्ड इज सबमेंडिबुलर ग्लैंड। अंडरस्टैंड? समझे बेटा? यस सर। अच्छा चलो sir, अगर हाँ बोलिए बेटा। सर सबमैक्सिलरी ग्लैंड। बेटा सबमेंडिबुलर और सबमैक्सिलरी एक ही होती है, सबमेंडिबुलर और सबमैक्सिलरी एक ही ग्लैंड का नाम है, ठीक है? ओके सर। हाँ अच्छा बेटा, अगर आप लोग सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि सिर्फ स्कूल लेवल पर पढ़ रहे हैं तो इतना काफी है, सफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं है इससे आगे नीट के लिए। लेकिन नीट के लिए पढ़ रहे हो ना, तो अगला स्लाइड आपके लिए है। ये देखो ये रहा अगला स्लाइड, ये आपकी मेनली सलाइवरी ग्लैंड। नॉट क्लियर, रुकिए जरा, हो नेटवर्क प्रॉब्लम। यस सर। अब क्लियर है? ओके यस सर, क्लियर। यस सर। हां क्लियर ना? हां सलाइवरी ग्लैंड आर नॉट फाउंड इन सेटेशियंस। सेटेशियंस एक जो है फैमिली है व्हेल की, ठीक है, व्हेल का ऑर्डर है ये। तो व्हेल के अंदर क्या नहीं होती बेटा? सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती। व्हेल ने कौन सा भाई साहब चिकन तंदूरी खाना है या कोई पनीर टिक्का खाना है तो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड आर नॉट फाउंड इन व्हेल एंड फ्रॉग, ठीक। इन रैबिट दीज आर 4 पेयर बट इन मैन दीज आर 3 पेयर। मैंने अभी आपसे बोला था ना थोड़ी देर पहले, रैबिट के अंदर 4 टाइप की है और हमारे अंदर 3 टाइप की है। अब मजेदार क्वेश्चन यहाँ है जो आपको यहाँ से सुनने को मिलेंगे। पहला पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, नीट का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड का नाम बताइए, ठीक, वो कौन सी है आपके पास में? सॉरी लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। हाँ, जस्ट बिलो द ईयर एंड चीक। ये बेटा मेरा कान देख रहे हैं, कान के पास यहाँ पर, ये यहाँ कहीं होती है और मेरे पिछले डायग्राम में आपको दिखा भी दिया, यहाँ होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, नियर द चीक रीजन सर। अपर, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड ज्यादा सिक्रेशन के कारण स्वेलो क्यों कर जाती है? बेटा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, अभी मैं उसी पे आने वाला हूँ, रुकिए जरा, अभी लाइन पूरी होनी चाहिए आपके, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा टॉपिक के एंड में, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था बेटा आपसे कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जस्ट बिलो द ईयर इन चीक रीजन एंड ओपन नियर द सेकंड मोलर बाय द स्टेंसन डक्ट। नीट का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैरोटिड ग्लैंड ओपन बाय विच ग्लैंड विच डक्ट नोन एज स्टेंसन डक्ट। कौन सी डक्ट है बेटा? स्टेंसन डक्ट। एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लिखा है पैरोटिड ग्लैंड ओपन थ्रू पैरोटिड डक्ट, ठीक है, हमें स्टेंशन डक के याद करने। देयर सिक्रीशन इज सीरस टाइप। अब सीरस टाइप का मतलब समझाता हूं। आप पिज्जा खाते हो? यस सर। रसगुल्ला खाया होगा, ठीक है? यस सर। आपने ऐसी कोई भी चीज देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है ना कभी कभी, खाने की कोई बढ़िया चीज होती है तो भाई बस अब मिल ही जाए, रुका नहीं जाएगा, तो मुंह में जो पानी आता है ना बेटा वो पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रीशन है। किसका सिक्रीशन है? पैरोटिड।
हाँ, जो आप खाना खाते हो और उसमें जब आपको लगे ना खाना लजीज है, खाना देखकर मुंह में पानी आ गया, वो मुंह में पानी नहीं आ गया भाई साहब, आपके ब्रेन ने सेंसेशन दी पैरोटिड ग्लैंड को कि भाई एंजाइम सीक्रेट करो। एक्चुअल में ये एंजाइम है, क्या है बेटा ये एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। और दूसरा नाम क्या है इसका बेटा? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, यस। अब आपके दूसरे क्वेश्चन का जो आपने क्वेश्चन पूछा था ये स्वेल कर जाती है बेटा, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है हम लोगों, क्या हो जाता है? वायरल इन्फेक्शन। और उस वायरल इन्फेक्शन में हमारी पैरोटिड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाती है। द इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज मम्स। मिल गया बेटा मम्स? यस सर। हाँ मम्स, तो वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड एज मम्स। बेटा आंसर आ गया आपका? यस सर। ओके, अब यही पे बात खत्म नहीं होती है। अगला क्वेश्चन इससे जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ द स्नेक इज नो, किसकी होती है बेटा? ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ द स्नेक। ये बेटा टोड जो लिखा हुआ है ना बेटा, इसको आप नहीं मेंशन करेंगे, टोड गलत लिख गया है यहाँ पे, टोड नहीं है। सिर्फ इतना याद करना आपने, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड, आर मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। अब चलो एक और नई बात बताता हूँ बेटा। अब इस तरीके से तो पॉइजन क्या हो गया? एक एंजाइम हो गया। Yes, है ना? अब अगर कोई एंजाइम है तो अगर आप एंजाइम को पी लेंगे तो आपको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, बट सांप के काटने से तो मर जाते हैं लोग। Yes, sir. Yes, sir. है? तो ये कैसे पॉसिबल है भाई कि आप इसको मॉडिफाइड, क्या आप पॉइजन पी सकते हैं? मर जाएंगे यार पी पी। हम स्नेक के वेनम को पी सकते हैं, बट कंडीशंस इज अप्लाइड। क्या कंडीशन है बेटा? हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहीं पे भी कोई कट नहीं होना चाहिए, कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंजाइम है ना, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। क्या वर्ड यूज किया बेटा मैंने? एंजाइम आर प्रोटीन। ठीक है, और सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है बेटा? अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। बट एक ही प्रॉब्लम है, आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई कट नहीं हो चाहिए, तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कट होगा और कोई ब्लीडिंग होगी तो ये पॉइजन किसके साथ मिक्स हो जाएगा? ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो हम लोग जब मरते हैं या सांप के काटने का जहर जो हमारे ऊपर चढ़ता है वो हमारे ब्लड में मिक्स होने की वजह से चढ़ता है, ना कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है। राइट, कोई दिक्कत बेटा किसी को यहाँ पे? नो सर। हाँ, ये करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। कभी सोचो कि नहीं एक बोतल लेते हैं और हम थोड़ा चेक करते हैं, चेक नहीं करना है। अच्छा, और सुनिए, आप लोगों ने समुद्र मंथन सुना है? नो सर। ये एक पुरानी कहानी है, उसमें समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले थे, तो उसमें सबसे पहले जो निकला था ना वो पॉइजन निकला था। अब प्रॉब्लम ये आई कि पॉइजन निकला और वो देवताओं के हिस्सों में, राक्षसों और देवताओं में एक कंपटीशन चल रहा था। उस कंपटीशन में सबसे पहले रत्न में एक ये निकल के आया आपका जहर, पॉइजन। अब प्रॉब्लम ये थी कि पॉइजन जो निकला, अभी पॉइजन हिस्से में किसके आया? देवताओं के, तो राक्षसों को नहीं मिला। प्रॉब्लम ये थी कि अब ये पॉइजन पिलाएं किसे? ये तो कोई जानता ही नहीं था कि पॉइजन पिया भी जा सकता है। तो आपको पता है पॉइजन किसने पिया था? राइट, अरे उन्होंने क्यों पिया? बाकी और लोग भी तो थे, वो भी तो पी सकते थे, उन्होंने क्यों पिया? कभी किसी ने नहीं सोचा ना? उन्होंने इसलिए पिया क्योंकि वो रहते थे हिमालय पे, और जो लोग हिमालय यानी बर्फीले रीजन में रहते हैं, या ये कह दो ठंडे इलाके में रहते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल नॉर्मल प्लेन में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे बेटर होती है, उनमें हीलिंग पावर अच्छी होती है और उनमें कोई घाव या लिसेंस वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए शिव जी को दिया गया था, बाकी तो सब कहानियां के गले में रोक लिया, ये सब कर लिया है, कैसे रोक सकते हैं? ठीक है ना, तो पॉइजन जो है वो शिव जी को इसलिए दिया गया था। ठीक है, और कोई डाउट बेटा पैरोटिड ग्लैंड के अंदर किसी को? नो सर। ओके, द सेकंड ग्लैंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड। आप लोग अभी 10th से 11th में आए हैं और आपको पहले बच्चे हैं जो आप डायरेक्ट एम्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, सब लिंगुअल ग्लैंड के अंदर। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द टंग एंड नियर द फ्रेनुलम। ये फ्रेनुलम के पास में ओपन होती है,
किसके थ्रू? डक्ट ऑफ रिवीनस। ये दिख रही है आपको बेटा, डक्ट ऑफ रिवीनस, डक्ट ऑफ रिवीनस, ये वर्ड यूज किया जाता है डक्ट ऑफ रिवीनस। बट कुछ समय पहले, कुछ 3-4 साल पहले एक क्वेश्चन आया, ये बराबर में लिखा हुआ, ये रहा बर्थोलिन डक्ट। एक्चुअल में बर्थोलिन ग्लैंड होती है बेटा, क्या होती है बेटा, बर्थोलिन ग्लैंड होती है। और बर्थोलिन ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्या बोला मैंने बेटा, बर्थोलिन ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो पहले ही क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन आया और उन्होंने लिखा बर्थोलिन डक्ट आर फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन में था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, सेकंड ऑप्शन में था सलाइवरी ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन में था बोथ, और फोर्थ ऑप्शन में था नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई मेरे जैसा बेवकूफ, मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ था, मैंने भाई सबसे पहले भाई बर्थोलिन ग्लैंड तो मैंने फीमेल ट्रैक में पढ़ी है तो उसी का पार्ट होगा, मैंने भी फट से फर्स्ट आंसर कर दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और मैं कूदता हुआ बाहर आया, भाई मेरा क्वेश्चन सही हो गया, मेरा क्वेश्चन सही हो गया। मैंने अपने सर को बताया, सर ने मुझे एकदम फट से एक कान पे लगा के दिया, कर बेटा गलत कर आया आंसर, बर्थोलिन डक्ट क्या है एक्चुअल में, डक्ट ऑफ रिवीनस का दूसरा नाम है बर्थोलिन डक्ट, ठीक है। तो ये आप पहले ही आप वो चीज जान गए जो आपको बहुत दिनों बाद पता लगता, डक्ट ऑफ रिवीनस का दूसरा नाम क्या है, डक्ट ऑफ रिवीनस का दूसरा नाम बर्थोलिन डक्ट। जी आवाज नहीं आ रही आपको सर? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हेलो बोलिए सर। फ्रेनुलम, सर फ्रेनुलम क्या है? हाँ बताता हूँ बेटा, टंग पोस्टीरियरली जिस जगह से अटैच होती है, आपने मेरा पहला लेक्चर लिया था बेटा? यस सर। पहले लेक्चर में मैंने बताया था टंग पोस्टीरियर साइड में एक एक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, उसका नाम होता है फ्रेनुलम लिंगुआ। याद आया? यस सर। अलग अलग तरीके से, तो ये सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम। इट्स सिक्रेशन इज म्यूकस टाइप, म्यूकस टाइप मतलब ये फूड को क्या बनाता है, सिर्फ स्लिपरी बनाता है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ओनली फूड को क्या करता है बेटा ये इजीली क्या किया जा सकता है, सोलो किया जा सकता है, इसका काम सिर्फ म्यूकस सिक्रेट करना है। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलरिस ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलरिस, ये भी आप उनसे पूछ रहे थे ना, मैक्सिलरी मैंडिबुलरिस एक ही डक्ट का नाम है। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ जॉ, बेटा ये हमारा अपर जॉ, ये हमारा लोअर जॉ, यहाँ ये होती है, ठीक है सर। हाँ जी बोलिए बेटा। जी सर, देयर इज अ डिस्टरबेंस इन योर वॉइस। अब तो नहीं हो रही? नो सर। ओके दोबारा सुनिए बेटा, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलरिस प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर जो एंड लोअर जो, यहाँ कहेंगे, यहाँ बोला, ठीक है, जंक्शन पे होती है, एंड ओपन बिलो द टंग, टंग के नीचे ओपन होती है, और किस डक्ट के थ्रू होती है बेटा, वॉटसन डक्ट के थ्रू, ठीक। अब आपको तीन ग्लैंड्स बताई हैं, पहली ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, उसकी डक्ट का नाम एक्सटेंशन डक्ट, दूसरी सब लिंगुअल, इसकी डक्ट का नाम डक्ट ऑफ रिवीनस और बर्थोलिन डक्ट, और तीसरी ग्लैंड आपके पास में सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरिस, डक्ट का नाम है वॉटसन डक्ट। आपको यही तीन पॉइंट्स याद करने हैं, यही तीन पॉइंट आपको याद करने हैं। अब आते हैं बेटा इंफ्रा ऑर्बिटल। ये बेटा आपको मेरा चश्मा दिखाई दे रहा है? चश्मा? यस सर। अब चश्मे के जस्ट नीचे यहाँ जहाँ मेरी उंगली लगी हुई है यहाँ, ठीक है, ये जो उंगली है ना ये जहाँ लगी हुई है, इस एरिया को बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल एरिया। क्या बोलते हैं इसको? इंफ्रा ऑर्बिटल एरिया। और ये जो एरिया ये देख रहे हो ना, ये जहाँ मैंने अपनी उंगली रखी हुई है, ये आपके यहाँ पे जाइगोमोटिक बोन होती है, मतलब चिक बोन जिसे आप बोलते हो, यहाँ ये, ठीक है, जो ये कहाँ पर होती है इंफ्रा ऑर्बिटल, ये जाइगोमोटिक सलाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, इसके पास में यहाँ पे होती है, बट ये हमारे अंदर नहीं होती, एब्सेंट इन मैन बट प्रेजेंट इन रैबिट, जस्ट बिलो द ऑर्बिट एंड ओपन नियर द लास्ट मोलर, इट इज नॉट यूज इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में यूज नहीं होता है। एंड द कंपोनेंट
सलाइवा का सिक्रीशन पर डे कितना होता है? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा पर डे 1 से लेकर 1.5 लीटर होता है। पीएच इसकी 6.8 होती है, 6.8, और इसके अंदर कंटेन 99% वाटर एंड इट आल्सो कंटेन टाइलिन। टाइलिन इज ए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। सम अमाउंट में माल्टेज होता है एंड लाइसोजाइम। अब इन सब के फंक्शन सुनिए आप बेटा। टाइलिन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइसोजाइम किल द बैक्टीरिया। क्या करता है लाइसोजाइम? किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है कौन? लाइसोजाइम। ठीक सर, पिटेलिन डोमेस्टिक हर्बीवोर्स में क्यों नहीं पाया जाता? क्या जी? पिटेलिन डोमेस्टिक, हाँ ये पिटेलिन नहीं है बेटा, इसका पी साइलेंट है, इसको टाइलिन बोलते हैं बेटा। ठीक है, और टाइलिन इज नॉट फॉर, हाँ बता रहा हूँ बेटा, इज नॉट डोमेस्टिक। हाँ एक्चुअल में वहां क्या होता है, कंपाउंड स्टमक होता है। क्या होता है बेटा? कंपाउंड स्टमक। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में कभी नहीं होता है। ओके, अब जब माउथ के अंदर डाइजेशन ही नहीं होता तो वहां पर टाइलिन भी नहीं होता है। ओके ओके सर, है ना। तो टाइलिन इज नॉट फाउंड इन सलाइवा ऑफ डोमेस्टिक हर्बीवोरस लाइक काउ एंड कार्निवोरा लाइक लॉयन और टाइगर्स। क्योंकि लॉयन और टाइगर बेटा क्या खाते हैं? तो वो अपना नॉन वेज खाते हैं, है ना, फ्लैश खाते हैं, और फ्लैश में जनरली बेटा प्रोटीन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है। ठीक है, जब उन्होंने कार्बोहाइड्रेट खाया ही नहीं है तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं करना। ओके क्लियर बेटा? हेलो कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ मेरी वॉइस चली गई मुझे लगता है बेटा। यहाँ पर आपको इन चार तीनों ग्लैंड्स में कुछ आपको पूछना है दोबारा से इस पे टॉपिक पे कुछ यहाँ से? नो सर। ओके आगे बढ़े। यस सर। तो नेक्स्ट, इसोफेगस में कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है ना, इसोफेगस से कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास वहां कोई एंजाइम ही नहीं है। द सेकंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्टमक, एंड स्टमक हैव थ्री पार्ट, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट एंड फंडस पार्ट, एंड दीस पार्ट इंडिविजुअली हैव द इंडिविजुअल्स ग्लैंड लाइक कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और फंडस ग्लैंड। कौन कौन सी ग्लैंड है बेटा? कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड फंडस ग्लैंड। हाँ, तो कार्डियक ग्लैंड में क्या होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं ओनली म्यूकस, म्यूकस। हाँ, और ये म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। ओके, ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से। किससे बेटा? HCl। हाँ, जो एसिड होता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे, कहते हैं ना HCl सब कुछ गला देता है। 10th में आ चुका है, टेंथ में आ चुका होगा, बिल्कुल ये आपको याद है बहुत अच्छी तरह। ठीक है, सेकंड पार्ट इज पाइलोरिक ग्लैंड, द फाउंड इन पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक एंड दिस आल्सो सीक्रेट म्यूकस, हां ये भी म्यूकस सीक्रेट करता है, एंड द थर्ड पार्ट इज फंडस पार्ट। सर पाइलोरिक पार्ट कौन सा होता है? पाइलोरिक नहीं, पाइलोरिक पार्ट है बेटा। ये कौन सा पार्ट है सर म्यूकस? एक मिनट रुको अभी दिखाता हूं। ये रहा, दिस इज पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक, तो फंडस, द मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड इन द बॉडी रीजन और फंडस रीजन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन स्टमक, स्टमक के अंदर बेटा 35 है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इन फंडस रीजन, फर्स्ट इज म्यूकस सेल्स आल्सो नोन एज गॉबलेट सेल। बेटा कोई करैक्टरिस्टिक बताएगा गॉबलेट सेल की, क्या करैक्टरिस्टिक हो सकती है? अगर ये नीट में क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। बताइए करैक्टरिस्टिक ऑफ characteristic of a goblet cell. Can you hear me? I'm audible? Yes, sir. हाँ बताओ बेटा goblet cell की कुछ characteristic? चलिए नहीं होगा आपको याद, मैं बताता हूँ। ठीक है बेटा, gland, tissue. What is tissue?
A multicellular structure perform a single function is known as tissue. Okay? A different type of tissue formed a gland. Right? But beta goblet cell ya mucus cell. सिंगल सेल ग्लैंड है, प्लीज नोट डाउन कीजिए. गॉबलेट सेल इज अ सिंगल सेल ग्लैंड. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. सभी ग्लैंड ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर मल्टी सेलुलर बट द गॉबलेट सेल इज सिंगल सेल ग्लैंड. अंडरस्टैंड, समझ में आया बेटा? यस सर. द सेकेंड सेल इज चीफ सेल, चाइमोजेनिक सेल्स और पेप्टिक सेल. चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल्स और पेप्टिक सेल्स. अंडरस्टैंड? एंड दीस सेल्स सीक्रेट पेप्सिनोजेंस एंड प्रोरेनिन. दीस सेल्स सीक्रेट पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन. फर्दर डिस्कशन करेंगे इस पे हम. ठीक, नेक्स्ट. ऑक्सेंटिक सेल और पैराइटल सेल. दीस सेल्स सीक्रेट एससीएल एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर. बेटा एससीएल तो एसिड है, ये तो आप समझ ही जाओगे क्या काम करता है. ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करता है. HCl क्या काम करता है बेटा? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करता है. बट द कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है? कौन बताएगा? किसी को पता है कुछ? अगर कुछ पढ़ा है 10th में? एनीबॉडी नो द कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर? नो सर. चलो अभी टीवी का एड याद करते हैं. दूध का कैल्शियम कैसे मिलेगा? हॉर्लिक्स मिला के. यार याद नहीं आ रहा? याद आया? असली होंगे दो चार बच्चे तो इस बात के. भाई दूध का कैल्शियम कैसे मिलेगा? हॉर्लिक्स मिला के, ठीक है ना. अब भाई साहब हम विटामिन B12 खाते हैं, तो विटामिन B12 जब हमारे अंदर जाएगा तो विटामिन B12 हमने बाहर से अंदर लिया. सो नॉन एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर. एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से दिया गया फैक्टर. और इसको जो चीज एब्जॉर्ब करेगी वो इंट्रिंसिक फैक्टर है. तो ऑक्सेंटिक सेल से कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है. ये विटामिन B12 को कैच करके एब्जॉर्ब कर लेता है. विटामिन B12 जैसे कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कैच कर लिया और उसको एब्जॉर्ब करके ले गया. चलो ले गया जी, ले गया. ले जाने तो हमारे किस काम का? विटामिन B12 को हम क्या करेंगे? ठीक है, तो विटामिन B12 के हम ये करेंगे. हमारी RBC बनती है बोन मैरो में. कहाँ बनती है बेटा? RBC formed in bone marrow, but these RBC mature by the absorption of vitamin B12. These RBCs mature by absorption of vitamin B12. If vitamin B12 is not absorbed, RBC are not mature, and then RBC not mature, then slowly blood जो है हमारा body का क्या हो जाएगा बेटा? लेस हो जाएगा. कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड लेस हो जाएगी और वी आर कैसे हो जाएंगे हम लोग? एनीमिक हो जाएंगे. वी आर एनीमिक हो जाएंगे. एनीमिक मतलब खून की कमी हो गई. ठीक, तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा जिससे हमारी आरबीसी मैच्योर होंगी और हमको एनीमिक होने से बचाएंगे. ठीक है? यस सर. अंडरस्टैंड सर? पेप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. जी हाँ, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है बेटा? ओके, यस सर. तो म्यूकस सेल, चीफ सेल, ऑक्सेंटिक सेल, समझ में आया बेटा सबको? सर प्लीज एक्सप्लेन कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर. हाँ दोबारा, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब विटामिन B12 एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ विटामिन B12 विटामिन B12 कन्वर्ट द इमैच्योर आरबीसी इनटू मैच्योरिंग, मतलब मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, और जब आरबीसी मैच्योर हो जाएंगी तो हमारे अंदर जो ब्लड का फ्लो है, कंसंट्रेशन है, वो क्या होंगी? वो मेंटेन होंगी. अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हम लोग कैसे हो जाएंगे बेटा? एनीमिक हो जाएंगे क्योंकि आरबीसी मैच्योर नहीं होंगी. ठीक है? ओके सर. अब किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर किसी वजह से खत्म भी हो सकता है क्या? नो सर. पूछो, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर खत्म हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है. कैसे हो सकता है? सुनिए, जो लोग एक्सेसिव अल्कोहलिक होते हैं,
जो लोग एक्सेसिव अल्कोहलिक होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उन लोगों का कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब जो कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर ही नहीं है तो विटामिन बी 12 कितना ही खा लो एब्जॉर्ब होगा क्या? सर डिस्ट्रॉय क्यों हो जाता है बेटा? एक्चुअल में ये पैराइटल सेल्स जो ना डैमेज होने लगती है, ठीक है, ऑक्सीजेनिक सेल और पैराइटल सेल डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर खत्म होना शुरू हो जाता है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक, अब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसको कैसा क्या हो जाएगा, उसके आरबीसी मैच्योर नहीं होंगी, जब आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एनीमिया। हाँ, एनीमिया हो जाएगा। समझ पाया आप लोग जो मैंने आपको बताया? यस सर। अच्छा, चौथा टाइप और पढ़िए, ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, जी सेल्स के नाम से जाना जाता है। जनरली जो, हाँ बोलिए बेटा। सर ये जो चीफ सेल सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन एंड तो सर वो ये प्रोटीन्स के उससे के लिए काम आते हैं ब्रेकडाउन के लिए? हाँ बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जो प्रोनेलिन है बेटा ये तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो पेप्सिनोजेन है ये नॉर्मल जो प्रोटीन आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ओके सर। ये चीज हम अभी आगे, जैसे अभी तो हम सिर्फ ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं ना, लास्ट में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, वहाँ आप प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन और फैट डाइजेशन आप अलग से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सा मैंने क्लियर कट लिख आगे बनाया हुआ है। ठीक है, ओके सर। सर हाँ जी बोलिए बेटा। सर ये इंट्रिंसिक फैक्टर का कैल्शियम से क्या लेना देना था? बेटा कैल्शियम का तो कुछ नहीं था, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि दूध में कैल्शियम कैसे अब्सॉर्ब होगा हॉर्लिक्स मिला के, तो वैसे ही विटामिन बी 12 कैसे अब्सॉर्ब होगा इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, ये था वो एग्जांपल को कोरिलेट करता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है ना, उसका कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आखिरी सेल इसके अंदर जी सेल। अब क्योंकि पुराने टाइप के जो टेस्ट होते थे उनमें इस जी सेल के और भी नाम होते थे, जैसे आर्जेंटोफिल सेल्स इसका नाम है, सेल्स कुलचेस्की सेल्स भी इसी का नाम है, एंटेरोक्रोमोफिल सेल्स भी इसी का नाम है, पर मेनली आजकल जो नाम पूछा जाता है बेटा क्या आता है, जी सेल। जी सेल क्या सिक्रेट करता है बेटा? ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है, फर्स्ट हार्मोन इज गैस्ट्रिन, सेकंड हार्मोन और दूसरा हार्मोन बेटा सेरोटोनिन। क्या क्या बेटा? एक तो पहले का नाम है बेटा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन सेरोटोनिन, सेकंड हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। सर ये जी सेल्स में जी की कोई फुल फॉर्म नहीं है? गैस्ट्रिक सेल, गैस्ट्रिक सेल्स, जी का मतलब गैस्ट्रिक। सर इनका काम क्या होता है? ये सिक्रेट कर रही ना बेटा गैस्ट्रिन हार्मोन और सेरोटोनिन। बता रहा हूँ, रुको तो सही, रुको रुको आ रहे हैं, देखो नीचे लिखे हुए हैं तीनों के काम, लिखी है तीन लाइनें, देखो गैस्ट्रिन का काम क्या होता है। ठीक है, चलो पहले इनका फंक्शन ही बता। ठीक है बेटा, जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आएगा हमको क्या चाहिए, गैस्ट्रिक जूस होना चाहिए हमारे पास, जो कि उस फूड को डाइजेस्ट करे। अब गैस्ट्रिक जूस को कौन सिक्रीट करवाता है? गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट कराता है। कौन कराता है बेटा? गैस्ट्रिन हार्मोन। तो लिखा है ना, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय गैस्ट्रिन हार्मोन। ओके, और सर सेरोटोनिन? सेरोटोनिन बेटा एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, इसका यहाँ पे फंक्शन अननोन है कि इसका क्या फंक्शन है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे काम सिर्फ इसका गैस्ट्रिन का ही है। ठीक है बेटा? यस सर। बुक्स में लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर मेंशन किया है कि सेरोटोनिन। तो बहुत सारे बेटा हमारे बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस है, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शन इसी में आता है, तो उनमें से ये भी एक एक्सेप्शन में आता है कि भाई फंक्शन हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका फंक्शन पता ही नहीं है पर हमारे अंदर है वो। ठीक, तो गैस्ट्रिक का फंक्शन हमको पता है, वो मैंने आपको मेंशन किया है। ठीक बेटा? यस सर। अब नेक्स्ट बेटा, अगर कोई इसको स्टिमुलेट कर रहा है तो कोई इसको इनहिबिट भी करेगा, है ना, भाई ये थोड़ी ना सारे टाइम सारे एंजाइम काम ही करते रहे, उस एंजाइम का भाई उस एंजाइम का एक्शन को रोकना भी पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सब कुछ खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा हर चीज को। तो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज इनहिबिटेड बाई एंटेरोगैस्ट्रिन, इट इज सिक्रेटेड बाई ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम से सिक्रेट होता है। ठीक है बेटा, कहां से सिक्रेट होता है? डेफिशिएंसी भी होती है क्या बेटा? सर इनकी कभी डेफिशिएंसी भी हो जाती है? नहीं नहीं, इनकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, हार्मोन्स है सर बहुत। बोलिए, एंटेरोगैस्ट्रिन ये कहां पे होता है सर? ये बेटा ड्यूडेनम से रिलीज होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ना इंटेस्टाइन, तो वहां से रिलीज होता है और ये गैस्ट्रिक के सिक्रेशन को कम कर देता है, ये कह दो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम कर देता है, जिससे कि जो एक लिमिटेड अमाउंट में जो जितना हमें चाहिए होता था ना हमें मिल जाता। ठीक, तो दो चीज आपने पढ़ी बेटा, एक ने गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया, एक ने बंद कर दिया, एक ने स्टार्ट कर दिया एक ने बंद कर दिया। पर बेटा बीच में कुछ कंडीशंस ऐसी भी तो होंगी कि हमें थोड़ा बहुत घटाना बढ़ाना भी तो पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस कह लो या कंट्रोल कह लो, ना तो हमें रोकना है ना हमें चालू करना है, मतलब ना हमें स्टार्ट करना है ना हमें स्टॉप करना है, बट हमें वो कंट्रोल करना है, घटाना बढ़ाना घटाना बढ़ाना घटाना बढ़ाना, राइट? ओके, यस। तो ये किससे होता है, इसको कहते हैं बेटा सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, पहला आया आंसर गैस्ट्रिन हार्मोन, सेकंड है बेटा हिस्टामिन, और थर्ड आंसर है इसका बेटा वेगस नर्व, तीनों एक साथ लिखे हुए मिलेंगे आखिर ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑल, क्या मिलेगा लिखा हुआ बेटा ऑल। अब प्रॉब्लम ये है गैस्ट्रिन तो आपने अभी भी सुन लिया राइट, बट हिस्टामिन नहीं सुना आपने। यस सर, हिस्टामिन बेटा मस्ट सेल से सिक्रीट होता है। यस सर, कहां से होता है, मस्ट सेल से, ये आप आगे पढ़ेंगे बेटा। मस्ट सेल आप बेसोफिल सेल जानते हो, बेसोफिल? नो। आपने डब्ल्यूबीसी सुनी है? यस सर। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है बेसोफिल सेल, ठीक है? यस सर। अब वो जो बेसोफिल है जब तक ब्लड में है तो उसका नाम बेसोफिल है, ठीक है? पर जैसे ही बेटा वो ब्लड से निकल के टिश्यू में या और सेल के आसपास से पहुंच जाती है तो उसका नाम हो जाता है मस्ट सेल। क्या नाम हो जाता है बेटा? मस्ट सेल। हाँ, तो WBC का टाइप होता है एक बेसोफिल सेल, बेसोफिल का ही मॉडिफाइड वर्जन है मस्ट सेल, ये कह दो बेसोफिल आउटसाइड द ब्लड इज नोन एज मस्ट सेल, ठीक है बेटा? सर ये मस्ट है या मस्क है? मस्ट, MAST, मस्ट सेल, MAST, मस्ट, ठीक है? यस सर। एंड द थर्ड वन इज वेगस नर्व, बेटा कोई जानता है वेगस नर्व कहाँ होती है? बेटा ये वेगस नर्व है हमारे ब्रेन में यहाँ होती है, एक ये एक क्रेनियल नर्व है। अब बेटा आप लोग सोचोगे कि क्रेनियल नर्व क्या होती है, बेटा जो हमारे ब्रेन से निकलती है ना उनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ पर दो चीजें, एक तो ब्रेन है और एक स्पाइनल कोड है, तो जो स्पाइनल कोड से नर्व निकलते हैं स्पाइनल नर्व बोलते हैं, और जो ब्रेन से निकलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, क्रेनियल नर्व, क्योंकि क्रेनियम के अंदर रखी होती है, ठीक? हाँ, ये बेटा 10th क्रेनियल नर्व है, ये कौन सी है बेटा? 10th क्रेनियल नर्व, अभी आप बस इतना याद रखिए कि ये 10th क्रेनियल नर्व है, ओके? सर ये हिस्टामिन का बता दो रहा। हिस्टामिन बेटा, हिस्टामिन सिक्रेटेड बाय मस्क सेल, ठीक है? ये कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक जूस को, ना MAST, मस्क, ठीक है? ओके सर, है ना? सर ये हाँ बोलिए। सर ये कंट्रोल करने के लिए तीनों ही होने जरूरी है कि कोई एक भी हो सकता है? नहीं बेटा, तीनों ही कंट्रोल करते हैं, इन तीनों के इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए मैंने बेटा जब आपको बोला ये नेट का क्वेश्चन है बेटा, द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय, ए ऑप्शन में गैस्ट्रिन था, बी ऑप्शन में हिस्टामिन था, और सी ऑप्शन में वेगस नर्व था, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, ठीक है? तो सर ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई डेफिशिएंट हो जाए या ना हो? हो सकता है बेटा, देखो ये तो नर्व है, ये तो डेफिशिएंट नहीं हो सकती, ठीक है? ये तो नर्व है, ये तो कभी कम, ये तो ना होने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ थोड़ा बहुत ही हो सकता है कि कभी गैस्ट्रिक जूस ना, ये मतलब गैस्ट्रिक हार्मोन ना हो या हिस्टामिन ना हो, बेटा ऐसी कंडीशन में इन दोनों में से कोई भी एक के ना होने पर आपका ये गैस्ट्रिक जूस का कंट्रोल नहीं होगा, और इसकी वजह से आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा? इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? यस सर, क्लियर हो गया बेटा ये बात? ये तीनों लाइन क्लियर हुई बेटा? ये तीनों ही नीट के क्वेश्चन है, पहले वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लाइन जो है नीट के क्वेश्चन है। कोई डाउट बेटा किसी को? सर अगर गैस्ट्रिन ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो? बेटा ज्यादा सीक्रेट नहीं होगा, एक लिमिट में ही होगा, कंट्रोल्ड में होगा, क्योंकि ये कंट्रोल का तो है ना। सर आपने कहा था कि अगली क्लास में नोट्स मिलेंगे। हाँ तो बेटा ये मैं जो ना आज ही आपके जो आपके कोऑर्डिनेटर जो भी हैं मैं उनको ये पीपीटी में भेज दूंगा आज, ठीक है? तो आप उनसे इनको ले सकते हैं बेटा, ठीक है? जो भी आपके कोऑर्डिनेटर होंगे वो आप उनसे ले सकते हैं, ठीक? हाँ, नेक्स्ट
बेटा इसमें कंटेंट पूछा जाता है, गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट क्या होता है, तो बेटा इसमें पेप्सिन होता है, यानी पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है, है ना। The gastric juice contain pepsinogen, prorenin, HCl, gastric lining. सर प्रोटीन डाइजेस्टिंग के होते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये भी प्रोटीन डाइजेशन के लिए, ये भी प्रोटीन डाइजेशन के लिए। HCl एक्टिवेटर होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज बेटा एक्चुअल में स्टमक के अंदर फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है बच्चों, बट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क फैट, इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क फैट एंड डाइजेस्टेड बाय गैस्ट्रिक लाइपेज, मतलब जो आप मिल्क के अंदर जो फैट होता है उसको बहुत थोड़ी अमाउंट में ये गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट करता है। जिलेटिनेज जिलेटिन को डाइजेस्ट करता है, और ये आपको पता ही है इंटेंसिक फैक्टर का काम मैंने आपको बता ही दिया। म्यूसिन मतलब म्यूकस होता है, जिससे आपके जो स्टमक वॉल है उसको क्या किया जाता है बेटा, आपका प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक, एनी डाउट किसी को यहां तक बेटा? नो सर। सर हाँ जी बोलिए। सर ये एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन है या वो सेल है? बेटा ये हार्मोन है एंटेरोगेस्ट्रोन, ठीक है। ये तीन हार्मोन है, पहला ये जो आपका गैस्ट्रिक जूस, ये भी जो आपका हो रहा है ये भी गैस्ट्रिक भी हार्मोन है, एंटेरोगेस्ट्रोन भी हार्मोन है। हिस्टामिन इज नॉट ए हार्मोन, हिस्टामिन इज नॉट ए हार्मोन, इट इज केमिकल, हिस्टामिन इज अ केमिकल, और दिस इज नर्व वेगस नर्व। ठीक बेटा। सर ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसमें ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की तरह सेम है? ये बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर, ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ही है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं हुआ बस, बाकी ये इंट्रिंसिक फैक्टर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ही है। ओके ओके सर। और एनी डाउट और बताओ बेटा यहाँ पे? सर रेनिन क्या होता है? रेनिन RENIN। हाँ बेटा रेनिन इज अ एंजाइम, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने वाला केसीन डाइजेस्टिव एंजाइम है रेनिन। ओके थैंक यू। और बताइए सर म्यूसिन म्यूकस ही होते हैं? ये म्यूकस है बेटा, म्यूसिन इज अ म्यूकस। और बताइए और कुछ यहाँ पर? सर ये नोट्स मिला हमें कब तक अवेल हो जाएंगे? बेटा मैं अभी आपके जो ना कोऑर्डिनेटर से अभी बात करूंगा, वो आपको कब तक प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि इस चीज की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये आपके भी डेमो क्लासेस, ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं मैडम को जो है आज बात करूंगा, और मैडम आपको जब देना चाहे मैडम से बात कीजिएगा, जो भी आपके मतलब कोऑर्डिनेटर उनसे बात कीजिएगा, ठीक है। मैं उनको आज ही दे दूंगा ये, ठीक है, मिल जाएगा, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। और आप लोग बेटा एनसीईआरटी को डाउनलोड कीजिए नेट से, ठीक है, और आप उसे पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक। हम अगर आप बेटा जो भी बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो भी बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए उसकी गीता रामायण कुरान और आपका बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब सब कुछ क्या है, एनसीईआरटी है। जो भी बच्चा मेडिकल की प्रिपरेशन करेगा उसके लिए उसका महाग्रंथ क्या है, एनसीईआरटी है। सर हाँ जी बोलिए बेटा। सर इसमें एनसीईआरटी में लिखा है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कौन ये क्या होता है? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर को हम इससे अगले वाले टॉपिक में है, देखो ये दिखा, ये तो भी खैर आपको दिखाऊंगा मैं आगे, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर को दिख रही है लिखी हुई यहाँ पे, और ये रहा आपका क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर को, ये आपको नेक्स्ट डायग्राम में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको समझाया जाएगा ये बेटा, अभी तो काफी बड़ा चैप्टर है बेटा, ये एक दो दिन में नहीं होता है, ठीक है। Okay. देखिए चाहे तो इस चैप्टर को हम दो दिन में भी खत्म कर सकते हैं, बट अभी आप लोग कहां से एकदम 10th से 11th में आए हैं, और प्रॉब्लम क्या है वहां आपने बहुत छोटे लेवल पे चीजें पढ़ी है, यहाँ थोड़े एडवांस लेवल पे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी होंगी, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बट आप उस चीज को जो है ना उतना ग्रैप नहीं कर पाए होंगे उस वक्त की मेंटल जो हमारी एबिलिटी उस टाइम की जो होती है वो अलग होती है। अब आप 11th में आए तो आपको उसके हिसाब से तैयार होना है, ओके यस सर, कोई टेंशन नहीं है, आराम से अभी आपके पास काफी टाइम है, धीरे धीरे करिए। जैसे मैं क्लास में हम लोग अगर हम आप ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं आमने सामने तब भी हम इसी तरीके से ऐसे ही पढ़ते हैं, सेम वही एग्जांपल मैंने आपको अब दिए हैं जो मैं क्लास में बता। हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको आ रही हो मेरी तरफ से तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। नो सर नहीं है ना? नो सर नो सर ओके
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका परसों होगा 7 से 8, और इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग, और मे बी उस दिन हम लोग सारी ग्लैंड्स खत्म कर देंगे, ठीक है सर। संडे को? अब ये नहीं मुझे पता आपकी नेक्स्ट क्लास संडे को है या नहीं, मंडे को होगी शायद, जो भी होगी आपकी। संडे को नहीं है? संडे को नहीं है तो फिर मंडे को होगी आपकी, ठीक है बेटा। ये आज मेरी आपके साथ तीसरी क्लास थी ना? यस सर। यस सर। ओके, अभी आपके साथ मेरी 3 क्लास और है इसी तरीके, ठीक है। 3 क्लास में बाकी में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बेटा। और यस सर बताओ बेटा। सर आपने क्लास 2 में सर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बताया था। बेटा बताया था सर, वो जो हमारे लिए वेजिटेबल है तो वो जैसे काओ और उसमें भी उसकी उतनी लेंथ होती है बेटा? हाँ होती है, नहीं उनमें बेटा थोड़ी से ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि देखो उनका बॉडी साइज हमसे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और उनके हाँ वो फंक्शनल है, ठीक है, वहाँ पर वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक बेटा। यस सर। ओके। हाँ, तो हमारे लिए तो हमारे में तो वो वेजिटेबल है बट वहाँ वो फंक्शनल है, ठीक। यस सर। और एनी डाउट, कुछ और कोई डाउट बेटा? नो सर। चलिए, ठीक है, लीव करते हैं आज का सेशन। आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू।